भारत से रशिया में लगभग 5000 किलोमीटर लंबे हवाई सफर के दौरान रशिया में प्रथम वर्ष में अभ्यास के लिए जा रहे प्रत्येक विद्यार्थी के मन में नए देश, वहाँ की संस्कृति एवं वहाँ के लोगों के बारे में कई तरह की शंकाएं और कुशंकाएं होती हैं। मन में उत्पन्न हुए हजारों सवालों के साथ विद्यार्थी जब पेंजा पहुँचता है, तभी शहर की भव्य ऐतिहासिक कलाकृतियाँ, शिल्प स्थापित्य, सूरा नदी के बहाव की सुंदरता, शहर की अति आधुनिक गगनचुंबीय इमारतें और यूरोप के देशों जैसी सुंदरता देखकर उत्साहित हो जाते हैं। ईसवी सन 1663 में एक किले के रूप में स्थापित हुआ पेंजा शहर रशिया के दक्षिण और पश्चिम भाग में आने की वजह से शहर में थोड़ा बर्फ वाले माहौल में हल्की ठंडी और गर्मी के साथ शीतोष्ण ठंडी हवाएं होती हैं। यहाँ के तापमान में गर्मी और ठंडी को लेकर बहुत बड़ा फेरबदल नहीं होने से कोई भी मौसम में शहर आकर्षण का केंद्र बना रहता है। शहर का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र शहर के मध्य में बह रही सूरा नदी का रिवर फ्रंट है, जहाँ पर सूरा नदी के किनारे तरह तरह की प्रतियोगिता का आयोजन शहर के तंत्र द्वारा किया जाता है। पेंजा शहर रेलवे द्वारा रशिया के सारे मध्य के शहर एवं यूरोपियन देशों के साथ जुड़ा हुआ है। इसके अलावा शहर में एक एयरपोर्ट स्थापित है जिससे शहर पूरे विश्व में जुड़ा हुआ है। Hello, I'm Kevin Bird. I'm studying in Penza State University in third year. Right now, I'm studying in Penza's most beautiful place, and that is Gorodsputnik University. Every students are divided into several groups, and each group contains 15 to 16 students. It is beneficial for the students to learn and teachers to teach. That in Indian universities, we don't get time for the practical exams like in anatomy and histology. But in Russian University, in our university, we get specific extra time for learning practicals in various subjects. So there's a beneficial point. Also in terms of budget, Russian universities are far more better than Indian universities. That's not all. We also get special NMC exam training in our universities. We specialize training in doctors which are called from India to teach us with specialized training, so that we can just clear it within first time. पेंजा स्टेट यूनिवर्सिटी रशियन सरकार के शिक्षण और विज्ञान मंत्रालय द्वारा संचालित संपूर्ण सरकारी संस्थान है। पेंजा शहर के मध्य में यूनिवर्सिटी के स्थापित 28 से भी अधिक इमारतों में कुल मिलाकर 17,000 से अधिक स्थानीय एवं विदेशी विद्यार्थी अभ्यास करते हैं। यूनिवर्सिटी में 16 लेक्चर हॉल में प्रत्येक साल देश विदेश के वैज्ञानिकों, प्रोफेसरों द्वारा रिसर्च कॉन्फ्रेंस एंड रेगुलर मेडिकल स्टडी के लेक्चर लिए जाते हैं। ईसवी सन 1943 में दूसरे विश्व युद्ध के कठिन समय के दौरान स्थापित पेंजा स्टेट यूनिवर्सिटी फिलहाल रशिया की सबसे बड़ी शिक्षण एवं संशोधन का केंद्र है। जबकि यूनिवर्सिटी को यूरोपियन स्तर का अभ्यास प्रदान करने के लिए कई बार सम्मानित किया गया है। 17,000 विद्यार्थियों को उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान करने के लिए रशिया की केंद्र सरकार की उच्च शिक्षा परियोजना हेतु पेंजा स्टेट यूनिवर्सिटी को हाई क्वालिटी एजुकेशन अवार्ड एवं पदक प्रदान किया गया है। फिलहाल 30 से भी अधिक देशों के विद्यार्थी पेंजा स्टेट यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं एवं प्रत्येक वर्ष लगभग 3,000 नए स्थानीय एवं विदेशी विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय संस्थान में उज्जवल भविष्य की स्वेच्छा से प्रवेश लेते हैं। यूनिवर्सिटी रशियन, इंग्लिश एवं फ्रेंच भाषा में शिक्षण प्रदान करने की क्षमता रखती है। यह यूनिवर्सिटी संरचनात्मक एवं शैक्षणिक सुविधाएं अति आधुनिक एवं उच्च स्तर की होने के कारण मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एवं अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप के साथ ही WHO और यूनेस्को से प्रमाणित है। पेंजा शहर की हॉस्पिटल्स दक्षिण रशिया की सर्वश्रेष्ठ संरचनात्मक अस्पताल है, जिसमें सर्वोत्तम बुनियादी सुविधाएं हैं। शहर की सिटी इमरजेंसी हॉस्पिटल, रीजनल क्लिनिकल हॉस्पिटल, सिटी ऑप्थेल्मोलॉजिकल हॉस्पिटल, रीजनल डायग्नोस्टिक सेंटर, रीजनल पीडियाट्रिक हॉस्पिटल और इन्फेक्शन डिसीज हॉस्पिटल एवं 8 डिलीवरी सेंटर्स यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड हैं।
पेंजा शहर की सारी अस्पतालें लोगों की सेवा और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए कटिबद्ध हैं। पेंजा शहर में प्राइवेट अस्पताल ना होने की वजह से शहर का हर एक नागरिक चिकित्सा उपचार के लिए सरकारी अस्पताल का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से अपने विद्यार्थियों को प्रायोगिक तालीम के लिए हर एक प्रकार के केसेस बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। विश्व प्रसिद्ध सर्जन, थेरापिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन डॉक्टर्स उनके बरसों के मेडिकल प्रैक्टिस के अनुभव के सार को विद्यार्थियों को शिक्षा के रूप में प्रदान करते हैं। अति आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित अस्पताल विद्यार्थियों को उपचार पद्धति की क्षमता बढ़ाने में बहुत बड़ा हिस्सा निभाता है। शहर की अलग अलग अस्पताल के अकेडमी के 33 डिपार्टमेंट के 450 से अधिक डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स पेशेंट की जांच करते वक्त, कंसल्टेशन के वक्त, सुबह के डॉक्टर्स रेगुलर चेक के दौरान, ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी के दौरान विद्यार्थियों को साथ रखकर अच्छा ज्ञान प्राप्त करने में प्रेरणा रूप बनते हैं। The hostel is situated near the university campus itself. It is a 9-storied building with a special facility of elevators and emergency exits. Before the entry and exit from the hostel, students have to register themselves by swiping the unique magnetic card provided individually. The hostel warden is available 24/7 to keep view on all the students. Beginning from the ground floor, taking care of health and fitness, hostel is provided with gym facilities with all the modern equipments like dumbbells, punching bag, treadmill, leg press machine, squat machine, etc. The gym is both for boys and girls separately. Separate floors are allotted for boys and girls with 3 sections. In each section, there are 2 3-seater rooms and 2 2-seater rooms. Each section is attached with modernized toilet, bathroom and the basin area. Each floor is allotted with individual maid who takes care of the maintenance and the cleanliness of the floor. The rooms of hostel are fully equipped. In each room, the students are being provided with personal beds, bedside table, study table and cupboards. Each cupboard has a special lock system for the security reasons. Each room has centralized heaters to maintain the room temperature. On each floor, there is one common kitchen with 8 gas stoves. The kitchen facilities include individual room-wise cupboards to keep their cooking utensils and food items, basins to wash the utensils, and a centralized dustbin to dispose all the waste products. There is a special office for Dr. Yuvraj Singh Solanki. Here, the students can solve all their problems and issues.
Above all, our hostel is ragging free and we all live in a friendly environment. So, we really hope to see you all soon in Penza. Thank you. रशिया में मेडिकल क्षेत्र में कारकिर्दी बना रहे और डायरेक्टर एवं पिछले 13 वर्षों से रशिया में स्थायी ऐसे डॉक्टर युवराज सिंह को यूनिवर्सिटी द्वारा भारतीय विद्यार्थियों के एडमिशन के लिए और उनकी जरूरी मदद पूरी करने के लिए प्रमाणित किया गया है। फिलहाल यूनिवर्सिटी में एडवाइजर फॉर प्रोरेक्टर के पद की नियुक्ति पर डॉक्टर युवराज सिंह को विद्यार्थियों की छोटी मोटी समस्याओं और प्रश्नों के समाधान हेतु यूनिवर्सिटी में ही एक ऑफिस प्रदान की गई है, जिसके चलते विद्यार्थी उनसे सरलता से संपर्क कर सके, दूसरे एजेंट्स एवं कंसल्टेंसीज के बहकाव में ना आए और रशिया में MBBS की सटीक एवं सच्ची जानकारी प्राप्त हो सके, उसके लिए डॉक्टर युवराज सिंह पिछले 13 वर्षों से प्रयत्नशील हैं। सभी माता पिता उनके बच्चों की कोई भी समस्या के लिए किसी भी समय पर डॉक्टर युवराज सिंह को संपर्क कर सकते हैं। प्रतिवर्ष नए प्रवेश लेते विद्यार्थियों एवं उनके माता पिता का आत्मविश्वास बढ़ाने हेतु सूरत, वडोदरा और अहमदाबाद में विदाई समारोह रखा जाता है। पहली बार विदेश जा रहे सभी विद्यार्थियों को उनके सफर में कोई भी प्रकार की दिक्कत ना हो, उसके लिए विद्यार्थियों को उनके शहर से लेकर रशिया पहुंचने तक की संपूर्ण व्यवस्था डॉक्टर युवराज सिंह द्वारा की जाती है। भारत से रशिया तक के सफर में एक प्रतिनिधि हमेशा साथ ही रहता है। आखिर में 5.5 साल की अखूट मेहनत एवं तपस्या के बाद जब यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी डिग्री मिलने के दिन यूनिवर्सिटी में पांव रखते हैं,
तब उनके माता पिता के साथ कॉलेज के हर एक प्रोफेसर भी गर्वान्वित महसूस करते हैं। विद्यार्थी जीवन के सर्वश्रेष्ठ साल रशिया में बिताने के बाद रशिया से अलग होते समय हर एक डॉक्टर रशिया की भूमि पर मिली हुई विश्व स्तर की मान्यता वाली डिग्री के लिए रशिया का आभार प्रकट करते हैं और उनके देश वापसी के बाद भी रशिया की यादें खुद के मन में हमेशा के लिए कैद रखते हैं।